टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। तो आज हमें कि 12th क्लास की जो 50 मार्क्स का जो इंग्लिश है ये आपके सामने हाजिर है। इंग्लिश प्रोज 50 मार्क्स का है। तो हम आज बिल्कुल एक पोएट्री से शुरुआत करते हैं और बाकी भी हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि ये जो द डेफोडिल्स है, पहला जो हमारा पोएम है द डेफोडिल्स, द डेफोडिल्स ये पोएम है और ये है विलियम वर्ड्सवर्थ ये इसी ने लिखा है इसको। तो चलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब क्या कहना चाहते हैं। तो आप अपनी किताब ले लीजिए सामने और देखिए किस तरह से कहना चाहते हैं। कहते आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कहते मैं बिल्कुल वांडर, मैंने घूमना होता है, हम घूम रहे थे बिल्कुल क्लाउड की तरह, अकेले अकेले लोनली, और दैट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। क्लाउड्स जो बिल्कुल हिल्स और वैलीज घाटियों के ऊपर, जैसे जैसा पहाड़ों में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल क्लाउड्स जो है पहाड़ों पर बिल्कुल अपना आ गया है। तो उसी तरह से ये वर्ड्सवर्थ साहब कह रहे हैं कि हम अकेला घूम रहे थे, उस तरह से घूम रहे थे जैसे कि बादल वैलीज में और हिल्स में घूमते हैं। तो फिर क्या हुआ घूमते घूमते, व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, बहुत सारे होस्ट मैंने बहुत सारे सुनहरे सुनहरे डेफोडिल्स। डेफोडिल्स एक तरह के फूल्स होते हैं, येलो टाइप के होते हैं, पीले पीले टाइप के। तो उन्हें गोल्डन डेफोडिल्स को देखा, बहुत सारे डेफोडिल्स को देखा। ओके, बिसाइड द लेक, झील के नजदीक, बीनीथ द ट्रीज, और ट्रीज थे ट्रीज के नीचे। ओके, फ्लटरिंग एंड डांसिंग द ब्रीज, वही वो जो डेफोडिल्स हैं पेड़ के नीचे और झील के जो आसपास था, नियर था, काफ़ी हवा में, ब्रीज में, मतलब मध्यम हवा में काफ़ी इस तरह से डांस कर रहा था, फ्लटर कर रहा था, बिल्कुल झूम रहा था। हम कहेंगे फूल जो है वो झूम रहे थे। चलिए अगला स्टेंजा हम लोग लेते हैं। कंटिन्यूअस इज द स्टार्स दैट शाइन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आसमान में कंटिन्यूअसली जो स्टार्स, जो सितारे चमक रहे हैं उसी तरह से। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, आपने मिल्की वे देखा होगा रात में, जब अंधेरी रात होगी तो बिल्कुल एक सफ़ेद सा, एक लंबी से सड़क सा दिखता होगा, उसी को हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। वहाँ पर सारे के सारे स्टार्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सा दिखता है। उसी तरह बोलता है कि उसी तरह से, उसी झुंड की तरफ से बिल्कुल ये फूल एकदम डांस कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे। द स्ट्रीज्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फैला हुआ है, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, ऐसे लाइन में फैला हुआ है, एकदम पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ तक है। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, वो जो लेक था, वो जो खाड़ी थी, उसके बिल्कुल बहुत दूर तक ये बिल्कुल फैला हुआ था और मध्यम हवा में बिल्कुल डांस कर रहा था, फ्लटर कर रहा था, उसकी खूबसूरती देखते बन रही थी। 10,000 आई saw at a glance, एक झलक में, एक सरसरी निगाह में, मैं 10,000 बहुत सारे हमने डेफोडिल्स को देखा डांस करते हुए, झूमते हुए हवा में, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, बिल्कुल खुशी से नाचते हुए, अपने माथा को, अपने हेड को झोलाते हुए इस तरह से। तो एक तरह का एक जो है, जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, इसका एक कामना है, एक इमेजिनेशन है कि वो चूँकि वो नेचुरल पोएट हैं, वो नेचर को ज़्यादा लेकर के, प्रकृति को लेकर के ज़्यादा उसने पोएम बनाई है। तो वो कहना चाहते हैं कि हमने जो डेफोडिल्स को देखा बिल्कुल एकदम बहुत ही, मुझे लगा कि बिल्कुल स्टार्स की तरह झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं एकदम, बहुत उसका कोई एंड ही नहीं है, गोल्डन फ्लावर्स हैं, है ना। उसे कहने का मतलब यही है, स्प्राइटली डांस, काफ़ी खुशी के साथ डांस कर रहे हैं। चलिए हम तीसरा स्टेंजा में चलते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उसके बगल में ही, उसके नीचे जो पानी के वेव्स हैं वो भी डांस कर रहे थे हवा में, लेकिन बट द आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये फूल, ये जो आउटस्मार्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा खुश हो रहे थे उन वेव्स से जो कि वो लेक में, झील में पानी के वेव्स जा रहे थे। और पता लग रहा था कि ये फूल इन वेव्स से, हालांकि वेव यहाँ भी चल रहा था
लहर ये लोग भी मार रहे थे, डोल रहे थे, लेकिन इसका डोलना, फूलों का डोलना पानी के डोलने से बहुत ही अलग था, बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही खुश दिख रहे थे. ओके, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. ये जो पोएट है, ये जो कवि साहब हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, देख करके बहुत ही खुश होते हैं, गे होते हैं, GAY गे, गे मैंने खुश. इन सच ए जोकंड मुख, इन सच ए जोकंड कंपनी, उन उस खुशनुमा माहौल में उन लोगों के साथ काफ़ी खुशी का एहसास होता है इनको, विलियम वर्ड्सवर्थ को, है ना. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. वो कहते हैं कि मैं देखता रहा, टकटकी लगाकर देखता रहा, गेज भरे टकटकी लगाना, देखता रहा और एक छोटा सा थॉट मेरे मन में आया, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हेड ब्रॉड, कि ये जो है, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये किस तरह से मेरे पास, मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ रहेगा, ये थॉट हम किस तरह से इसको ले जाएंगे. फाइनल और लास्ट स्टेंजा, फॉर ऑफ्ट, हमें के हमेशा के लिए, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई. पोएट साहब कहते हैं कि जब हम अपने सोफे पे, अपने गद्दे पे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली दिमाग में, थिंकिंग मूड में, पेंसिव मीन्स थिंकिंग, थिंकिंग मोड में होते हैं, सोच रहे होते हैं, अपने अपने गद्दे पे लेटे या फिर बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उस वक्त द फ्लैश अपॉन दैट इट वॉड आई, वो अचानक मेरे अंदर की आंखों में, अंदर के ख्याल में आ जाता है, और विच इन द माई हर्ट विद प्लेजर फील्स, और ये कितनी सारी खुशियाँ हमारे दिल में आ जाती हैं, भर जाती हैं उन सारे डांसिंग डेफोडिल्स को याद करके, हम भी बहुत खुश होते हैं एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और इन डेफोडिल्स के साथ मेरा दिल भी झूमने लगता है, डांस करने लगता है. तो चलिए, ये पूरा का पूरा पोएम आपका ख़त्म हो गया. तो इसमें ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, ये नेचुरल पोएट हैं, और ये सिर्फ यही बताना चाहते हैं, ये खूबसूरती को, नेचर की, प्रकृति की खूबसूरती को दिखा रहे हैं, कि ये जो डेफोडिल्स हैं किस तरह से खुश हो रहे थे, डांस कर रहे थे, और उनके साथ वो किस तरह से आउटडिट कर रहे थे, आउटस्मार्ट कर रहे थे उन वेव्स को, जो कि पानी के वेव्स थे, जो कि लेक में भी खुशियां मना रहे थे. इनके खुशी मनाने का तरीका उनके खुशी मनाने के तरीके से हज़ार गुना ज़्यादा था, और ये चीज़ उनके मन में बस जाता है, और ये जब कभी खाली मूड में अपने घर में, अपने सोफे पर, अपने पलंग पर, अपनी सीट पर बैठते हैं, तो वो बात जब उनको अचानक याद आती है, तो इनका दिल भी झूम उठता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वो डेफोडिल्स उस हवा में डोल रहे थे, झूल रहे थे, और खुशियों जैसा एक माहौल था. तो यहाँ तीन बातें हम यहाँ समझ सकते हैं इस पॉइंट ने जो कहा, मैं तीन बातें. पॉइंट नंबर एक, इसने नेचुरल चीज़ों को स्थिति दिया है, प्रेफरेंस. नेचुरल मीन्स इसमें कह रहे हैं कि जैसे मैं घूम रहा था क्लाउड की तरह, वेल्स, घाटियाँ, पहाड़ियाँ, हिल्स, है ना, और उसके बाद डेफोडिल्स हैं, ट्रीज हैं, लेक्स हैं, ये सारे के सारे नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं. तो हम जानते ही हैं कि ये वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं एक प्रकृति के पोएट हैं, प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के इनने बहुत सारी पोएमें रची हैं, इनने बनाई हैं. चलिए दूसरी बात, ये दूसरी बात करते हैं कि वो जो डेफोडिल्स हैं उनका जो वो मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तारों से देते हैं, कि बिल्कुल इस तरह से डोल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, झूल रहे थे, इस तरह से चमक रहे थे, जैसे कि बिल्कुल मिल्की वे में, बिल्कुल रात में जो तारे आसमान में चमक रहे होते हैं. पॉइंट नंबर दो. और तीसरी बात यह है कि इनका रिश्ता डेफोडिल्स से, नेचुरल चीज़ों से, नेचर से वर्ड्सवर्थ का रिश्ता बता रहे हैं कि मैं इसको भूल नहीं पाया, मैं घर चला गया, अलग से बैठा, काउच में बैठा, फिर भी मुझे जब अचानक पेंसिव मूड में, थिंकिंग मूड में जब उनको याद आया, तो हमारे दिल को ये खुश कर गया. तो ये तीन चीज़ें थी जो वर्ड्सवर्थ साहब इस डेफोडिल्स में कहना चाह रहे थे. चलिए, तो ये आपको लगता है कि आपको जो पूरा पोएम है आपको समझ में आ गया होगा. इसमें चार स्टेंजाज हैं, पहला स्टेंजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और मैंने आपको पूरा समझा दिया. इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप हमें कमेंट करिएगा. और रही बात, आप इसमें एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपको हर जगह काम आ जाएगा,
एक क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में, अगले सेशन में हम आपको लिखा देंगे, वो आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आपको वही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम कर जाएगा। लॉन्ग में तो लॉन्ग और शॉर्ट में होगा तो उसको आप शॉर्ट करके छोटा करके आप लिख पाइएगा। चलिए आप इसको डेफिनेशंस को एक बार देख लीजिए, ये 50 नंबर का है आपका 12th क्लास का इंग्लिश, तो देख लीजिए। हम बाकी अगले प्रोज के साथ, चैप्टर के साथ या फिर पोएट्री के साथ हम अगले सेशन में आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।